हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे एक हाई ग्रोथ रिटर्न प्रोवाइड करने वाले स्टॉक के बारे में, जिसके अंदर आप निवेश कर कर मल्टीबैगर रिटर्न दोस्तों कमा सकते हैं। और अब यहाँ पर आप जितना लॉन्ग टर्म का निवेश करेंगे उतना ये कंपनी आपको पैसा छाप कर देगी। इसमें यहाँ पर बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, क्योंकि इसके पास का जो बिजनेस है वो यहाँ पर तीन टाइप का आपको देखने को मिलेगा। और उसमें से जो सबसे अच्छा बिजनेस है देखिए और जो ग्रोथेबल है वो है ग्रीन केमिस्ट्री का। अभी यहाँ पर आप सभी को ये तो लगता ही होगा कि सर हमने रिन्यूएबल के बारे में सुना, हाइड्रोजन से रिलेटेड जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में सुना है, बट ये जो ग्रीन केमिस्ट्री एक्चुअली कहाँ पर यूज़ होता है, ये केमिकल्स कहाँ पर फ़ायदेमंद है, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। जरूर वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो तो वो भी पूछिए कमेंट में, आपके लिए ही ये चैनल है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट में लेकर आते रहेंगे। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंपनी के अंदर के जो ग्रीन केमिस्ट्री के फ़ायदे के बारे में, और फिर मैं कंपनी के क्लाइंट और कंपनी के बिजनेस के बारे में और ग्रोथ से रिलेटेड भी यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप जैसे ग्रीन केमिस्ट्री जो यहाँ पर इनके यूजेस देखेंगे, जो वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करने के लिए, उसको रिसाइकिलिंग के लिए भी यहाँ पर बहुत से केमिकल जो ग्रीन केमिस्ट्री से आते हैं। और देखिए यहाँ पर आपको बहुत से अनेक एटॉमिक इकोनॉमी होती है, जो यहाँ पर एटम जो होते हैं, आप यहाँ पर आपको न्यूक्लियर एनर्जी पता होगा वहाँ पर भी यूज़ होते हैं ये सभी डेंजरस सेफ केमिकल्स के लिए भी, एंड यहाँ पर पोल्यूशन कम करने के लिए, ऐसे यहाँ पर बहुत से आपको यूजेस देखने को मिलेंगे। कम से कम देखिए 12 यहाँ पर यूजेस आपके आगे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन सभी के बारे में बात करते बैठेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट बट स्वीट आपको हाईलाइट में बता रहा हूँ कि इनके क्या क्या यहाँ पर एडवांटेज है बोलकर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। यहाँ पर हम दोस्तों जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो कंपनी बहुत से इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर केमिकल प्रोवाइड करने का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, उसी के साथ FMGC इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए, पर्सनल केयर एंड मेनी अदर इंडस्ट्रीज़। और इनके की कस्टमर्स आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर SRF कंपनी, और भी यहाँ पर विनंती ऑर्गेनिक, न्यूट्रीट इंटरनेशनल, आप यहाँ पर देख सकते हैं जेनेक्स लेबोरेटरीज, यहाँ पर बायर AG, ऐसे सभी कंपनीज आपको क्लाइंट दिखाई देंगे। एंड जो यहाँ पर इंटरनेशनल इसका बिजनेस देखेंगे तो आपको चाइना, आप यहाँ पर मार्केट देख सकते कितना फैला हुआ है कंपनी का, यूरोप में, USA, कोरिया, ताइवान, जापान, ऐसे सभी देशों में ये कंपनी अपने बिजनेस के प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो कंपनी के पास यहाँ पर आपको बहुत से इंटरेस्टिंग डिटेल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट भी बताता हूँ, और जिससे आपको यहाँ पर पता चले कि कंपनी में कितनी एबिलिटी है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बारे में, 3 मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर अवेलेबल है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड खास कर हम जैसे बात करें तो कंपनी का कैपेक्स देखिए, कैपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने लाया है 140 करोड़ का, जिससे ये अपने यूनिट यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं। और इनकी जो कैपेसिटी है उसके लिए भी लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर डेवलप कर सकें। एंड इसके बाद में अगर यहाँ पर हम बिजनेस की बात करें कंपनी के और भी, तो दोस्तों यहाँ पर जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ये कंपनी है, और कंपनी के यहाँ पर आप फोकस इस सेक्टर पे बहुत ज़्यादा देख पाएंगे। ग्रीन केमिस्ट्री इज़ अ इमर्जिंग फोकस अमोंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट मिनिमाइज
पोल्यूशन, अभी इसका यूज़ क्या है, मिनिमाइज पोल्यूशन, मॉलिक्यूल लेवल्स को, ये सभी काम करती है कंपनी। और कंपनी का नाम है क्लीन साइंस, और ये कंपनी क्लीन साइंस के अंदर भी वर्क करती है ऑन डेवलपिंग इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्पेशल एंड फाइन केमिकल, वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन इट्स की प्रोडक्ट इंक्लूडिंग, यहाँ पर देख सकते हैं मोनोमेथियल, ऐसे बहुत से अलग अलग केमिकल्स हैं जिनके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। केमिकल का नॉलेज मुझे भी नहीं उतना क्योंकि मेरा ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, बट आप यहाँ पर इनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। देखिए, निवेश करना हो तो नॉलेज लेना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको और भी बहुत से डिटेल देखने को मिलेंगे। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में, और इसके पास देखिए लीडिंग परफॉर्मेंस है बहुत से अच्छे केमिकल का, उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्कस किया। कंपनी 14,377 करोड़ का मार्केट कैप रखती है, और पी रेशो बहुत ही अच्छे लेवल पर है मैं कहूँगा, और ऐसे स्टॉक में अभी निवेश करने का बहुत बढ़िया मौका है, और ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पॉइंट है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 44 का, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वो है देखिए 33 का। और आप बोलेंगे सर इस कंपनी में इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं, तो मैं उसके पीछे का तगड़ा रीज़न आपके आगे रख देता हूँ। जो यहाँ पर प्रोडक्शन की हाई कॉस्ट, जो प्रोडक्शन जो होता है, या यहाँ पर हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस की, जो यहाँ पर लगातार जैसे कि हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहेंगे बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है इन्फ्लेशन के वजह से, और इसी वजह से स्टॉक पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कंपनी डे फ्री है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, कंपनी के 5 साल के आप नेट प्रॉफिट देखेंगे गुड परफॉर्मेंस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है ऑल अराउंड, डिविडेंड का पे आउट भी कंपनी आपको बढ़िया करती है, इसके अलावा और क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं दोस्तों। एंड आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे ना इस कंपनी का, काफ़ी शॉकिंग है। और आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जो इसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था कि इसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आने का, वो था प्रमोटर की होल्डिंग, और प्रमोटर ने अभी फ़िलहाल ही अपनी होल्डिंग बेच कर कम कर दी है। इसमें कोई भी यहाँ पर आप सभी के लिए जो निगेटिव पॉइंट है वो पूरे क्लियर हो गए, रास्ता पूरा क्लियर है ऐसा कह सकते हैं आप। और प्रमोटर ने स्टेक बेचा बोले तो कोई गलती नहीं है ना, कंपनी पूरी बर्बाद हो गई, ये समझना आप सभी को यहाँ पर नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी के प्रमोटर ने जो सेबी का रूल है उसको फॉलो किया है। आपको एक्चुअली नॉलेज यहाँ पर मिलना चाहिए, जो भी यहाँ पर सेबी के रूल होते हैं उसके हिसाब से कंपनी को परफॉर्म करना पड़ता है, और लिस्टिंग के बाद में यहाँ पर कुछ सालों में अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर को 75% तक ही यहाँ पर रख सकते हैं, वो उसके नीचे ही शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, ये बातें क्लियर आपके माइंड में ज़रूर रहना चाहिए। अभी यहाँ पर दोस्तों इस कंपनी के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, 12 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, 1 रुपये का कर्जा नहीं है, ना शॉर्ट टर्म का ना दोस्तों लॉन्ग टर्म का एक भी इशू नहीं है। एंड क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शेयर सिर्फ 1300 रुपये पर अभी ट्रेड कर रहा है, और आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही अच्छे लेवल पर है, करेक्शन में दिखाई दे रहा है, जब से लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक ने कोई बड़ा आउटपुट कमा कर नहीं दिया, तो इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, और जब ये परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा तब यहाँ पर इस कंपनी में सभी के होश होने वाले हैं, और कंपनी के अंदर उतनी एबिलिटी है। चाहे तो मैं आपको इसके पिछले रिजल्ट बताता हूँ, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी के मार्जिन भी आपको इम्प्रूवमेंट में देखने को मिलेंगे, थोड़ा प्रेशर यहाँ पर कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा यहाँ पर लग रही है, और बाकी चीज़ें भी, क्योंकि इसका बिजनेस का जो आप यहाँ पर सोर्स देखेंगे, जैसे मैं आपको भी बताता हूँ रेवेन्यू कहाँ से आता है वो एक थोड़ा बताना आपको ज़रूरी है, जो इसके जियोग्राफिक रेवेन्यू के बात करें जो की पॉइंट्स है आपको पता होना चाहिए, अलग अलग कंट्री से कंपनी रेवेन्यू कमाती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक लेवल पर भी इनके जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे कस्टमर जिस पर ये कंपनी काफ़ी डिपेंड देखने को मिलती है, जिसका इम्पैक्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसका जो रेवेन्यू का सोर्स है वो इंडिया में अच्छा खासा है, और साथ ही अदर कंट्रीज से भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से देखिए इसका बिजनेस है, यहाँ पर इन्होंने उतना जियोग्राफिक डाटा नहीं बताया है कितना परसेंट कहाँ से आएगा कंपनी का जो भी यहाँ पर इनकम, वो
थोड़ा यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट यहाँ पर हम जैसे एक मोटी मोटी बात करें तो कंपनी का बिजनेस ये बताता है कि इंडिया से कंपनी अच्छा खासा कमा लेती है एंड अदर कंट्रीज से भी। तो आई होप दोस्तों आप यहाँ पर क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में ज़रूर सोचिए। आपके जितने भी डाउट थे वो मैंने क्लियर किए। बहुत से निवेशक को यहाँ पर क्वेश्चन था इस कंपनी के बारे में, तो मुझे लगता है कि डिटेल देकर आप डिसीजन ले सकते हैं। थैंक यू।